वेलकम बैक टू नीबीडियो जिसमें हम आपको बताने वाले कि हाउ टू सॉल्व फोन पे प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स और गैस ये लास्ट वीडियोस है क्योंकि मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मैंने दो तीन और वीडियोस बना चुके हैं तो मैंने उसमें आपको बस एक से दो पॉइंट्स जो कि मिसलीडिंग हो गया था जो कि मैंने आपको बताया भूल गया था तो उसी के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई एक बार और रिपीट कीजिए और एक बार फुल्ली एक्सप्लन कीजिए थोड़ा सा एक बार बढ़िया से एक्सप्लन करके मुझे बताइए कि आखिर ये प्रॉब्लम्स आ रहे थे तो कितने देर में आएंगे क्या होगा क्या पॉसिबिलिटी होगा अगर जो पैसा आने वाला है वो आखिर उस रिसीवर्स के पास जाएगा या फिर उस सैंडर्स के पास जाएगा कहाँ पे वो पैसा जाएगा तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है तो ऐसे मतलब रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन्स है वो सारे दूर करूँगा और साथ में इसका सॉल्यूशंस क्या है इसकी भी जानकारी आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ तो टू तो बी कंटिन्यू एंड तक बने रहेंगे तो आपको पूरी जानकारी देखने को मिलेंगे माइक अगर आप चैनल पर नहीं तो पे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया बेल बटन करिए ताकि मीडिया तो उस नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको तुरंत सबसे पहले देखने को मिल जाए चलिए अब जानते हैं ओके okay गैस तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने फ़ोन पे में आना है एंड उसके बाद में मैं आप पे यहाँ पे आपको जो तरीके बताऊँगा अगर उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आपका जो पैसा है वो आपके अकाउंट में या फिर उस रिसीवर तक चला जाएगा जहां पे आप उसको भेजना चाहते हैं इसलिए पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बिना स्क्रपर देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं तो गई यहाँ पे आपको यहाँ पे एक वर्ड का कैसे मिलेगा यहाँ पे आपको सिंपल वर् टैप करना है एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको आना है उसके बाद में यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा तो यहाँ पे लैंग्वेज में आपको इंग्लिश सेलेक्ट करना है लेकिन अगर आपको ऑलरेडी इंग्लिश है तो कोई दिक्कत नहीं बस यहाँ पे आपके हैव एंड इशू विथ ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट करना है एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है इशू विथ पेंडिंग पेंडिंग पेमेंट्स क्योंकि पेंडिंग और प्रोसेसिंग दोनों ही सेम होता है तो इसको आपको सेलेक्ट करना है एंड उसके बाद में आपको यहां पे व्हाट डू आई डू इफ माय यूपीआई पेमेंट इज पेंडिंग इसको सेलेक्ट करना है क्योंकि पेंडिंग और प्रोसेसिंग दोनों सेम होता है इसलिए आपको यहां पे सेलेक्ट करना है और उसके बाद में यहां पे बताने के बाद मैं आपको एक नए टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगा इसको अगर मिस करेंगे तो आपको साइजन कार्य देखने को ना मिल सके इसलिए यहाँ इसके बाद मैं आपको एक नया ट्रिक्स बताऊँगा जिसको फॉलो करेंगे तो आपको पैसा हो काफी जल्दी ही आपका रिटर्न आ जाएगा आपके अकाउंट में या फिर उस डिसंबर तक चला जा सकता है तो यहां पर बोलता है कि अगर आपका यूपीआई पेंटिंग में है या फिर प्रोसेसिंग में है तो आप फोर्टी आवर्स वेट कीजिए आपका फोर्टी आवर्स बाद आपके अकाउंट में चला आएगा अगर वह पेमेंट जो कि फेल हो जाता है लेकिन अगर वो पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है लेकिन पेंडिंग में है तो 48 घंटा बाद वह उस रिसीवर तक चला जाएगा या फिर मैक्सिमम जो कि आपको तीन से पाँच दिन लग जाते हैं लेकिन यहाँ पे आपको बताया जाता है जो कि ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है लेकिन खुद से आप अगर आपको करना है तो यहाँ पर आपको आना है एंड उसके बाद में यहाँ पर रिपोर्ट योर इशू में आना है एंड उसके बाद में यहाँ पर जो तरीके बताऊँगा उसको फॉलो करेंगे तो आपका जो पैसा प्रोसेसिंग में वो जो कि हट जाएगा तो सबसे पहले यहाँ पर रिपोर्ट यूर इशू में आएंगे एंड उसके बाद में यहाँ पर ट्रांजेक्शन हिस्ट्री दिखाएगा यहाँ पे जो पैसा अभी अभी, अभी आप ट्रांजेक्शन किए जो कि प्रोसेसिंग में फंस चुका है वह पैसा अभी तक तो उस रिसीवर तक नहीं पहुँचा जहाँ पर आप भेजे हैं तो उसका वहाँ पर पे आपको पेमेंट शो कर किए रहते हैं तो आपको सिंपल में भी वहाँ उस पेमेंट्स को जो कि सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि मेरा जो प्रोसेसिंग में फंसा था उसके बाद वह पैसा जो कि फेल हो गया तो वो मेरे अकाउंट में रिटर्न किया लेकिन अगर आपका सक्सेसफुल दिखा रहा है तो वह जो कि आपको उस रिसीवर तक चला जाएगा तो इसलिए आप घबराइएगा नहीं बस उसको आपको सेलेक्ट करना है एंड उसके बाद में यहाँ पे लैंग्वेज बोलेगा तो लैंग्वेज में हिंदी सेलेक्ट करना है क्योंकि आपको पढ़ने में आसानी हो सकते हैं उसके बाद में आपको क्या करना है यहां पे थोड़ा सा लोडिंग लेना ले, है थोड़ा सा वेट कर लेना है एंड उसके बाद में यहां पे बोलेगा कि आ, कुछ यहाँ पे आपको मैनुअल दिखाएगा जिसको अगर पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगी क्योंकि हिंदी में लिखा है यहाँ बोल रहे हैं मिस्टर साहब आपका पाँच हयर का पेमेंट फेल हो गया क्योंकि आपका बैंक अकाउंट पेमेंट समय पूरा नहीं नहीं कर पाया और आप आप अभी पेमेंट करने की कोशिश कर सकते हैं क्या आपका कोई मदद और चाहिए तो यहाँ पर बोलेगा कि नीचे की मनी हैज़ लेफ्ट माई अकाउंट तो यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग दिखाएगा तो यहाँ पे आपको फेल नहीं दिखाएगा प्रोसेसिंग दिखाएगा बस यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्या कि मेरा पैसा मेरे अकाउंट कर चुका है माई हैज माई मनी हैज लेफ्ट माई अकाउंट तो यहाँ पे फिर अगर क्लिक करेंगे, तो फिर नीचे आपको बताएगा कि मिस्टर साजिद बैंक अभी तक आपके पैसे क्या आपके खाते में भेजे या फिर नहीं अगर आपको भेज दिए तो नहीं लेकिन अगर आपका तो अभी रिफंड नहीं आया और वह पैसा जो कि उस पेमेंट तक नहीं गया तो आपको इसलिए सेलेक्ट करना है क्या कि हाँ मुझे रिफ़ंड नहीं मिले हैं तो बस यहाँ पे आपको ये क्लिक करेंगे एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको कुछ और मैनुअली जो की फोन कि चैटिंग आपको फ़ोन पे के थ्रू मिल जाएंगे और उसके बाद में जो कि आपके बैंक का जो भी बैंक यहाँ पे फोन पे में लिंक रहेगा उसका आपको उ, उस बैंक का कस्टमर केयर का नंबर आपको दे दिया जाएगा यहाँ पर और साथ ही यहाँ पर बोलेगा कि यू नंबर से आप कॉन्टैक्ट कीजिए यहाँ पर अपने बैंक को कॉन्टेक्ट करें उसके बाद मैं यू नंबर ले और उसको वो बताया कि ये ये यू नंबर है और मेरा पैसा जो प्रोसेसिंग में फंस गया वो उस आ, वो पैसा अभी तक जहाँ पे भेजा वहाँ पे नहीं गया और ना ही वो पैसा मेरे अकाउंट में अभी तक रिटर्न हुआ है तो यहाँ पे यू टी नंबर के साथ इस नंबर पे आपको कॉल करना है जो भी आपके बैंक होंगे उसका आपको कस्टमर केयर का नंबर यहाँ पे दिखाई दे जाते हैं और साथ में बोलता है कि यू टी नंबर ले आपको बता दें कि ये यू टी नंबर आप कैसे निकालेंगे तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपको कैसे कैसे जाना है लेकिन मैं आपको लाइव बता देता हूँ कैसे आपको यू नंबर निकालना है ठीक है तो यहाँ पर सिंपल मैं बैक जाता हूँ उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आपको हिस्ट्री में आना है उसके बाद में जो भी आपका प्रोसेसिंग फंसा हुआ है जो भी अभी आपका फेल हुआ है तो नीचे आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको यू नंबर जो कि यहाँ पर आपको साफ साफ लिखा रहता है एंड उसके बाद इस नंबर को आपको कॉपी करके रखना है या फिर कॉपी में नोट कर लेना है एंड उसके बाद में कस्टमर के पे दराना है जो कि आपको नंबर फोन पे की तरफ से मिलेंगे उस कॉल उस नंबर पे कॉल करना है उसके बाद बताना है कि ये मेरा यू नंबर है और ये पेमेंट जो कि मेरे बैंक में अभी तक नहीं आया क्या आप मेरी कोई मदद कर सकते हैं और बताइए कि आप क्या आ, आ, मतलब कि मेरा पैसा अभी तक नहीं आया क्यों क्या मतलब बहुत सारे आप मतलब वहाँ पे आप बता सकते हैं आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उसको अगर शेयर करेंगे तो आपको जो पैसा है वो काफ़ी मतलब बहुत जल्दी में रिटर्न कर दे जाते तो ये एक यू नंबर का फ़ायदे हो जाते अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आपका जो कि बहुत ही जल्दी आ जाएंगे लेकिन अगर आप इस चीज़ को नहीं करना चाहते अगर आपको कोई परेशानी है तो आप मत छोड़ दीजिए आप फोर्टी एट आवर्स या फिर आप तीन से पाँच दिन वेट कीजिए जो कि आपका ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है और उस ऑटोमेटिक प्रोसेस में जो कि आपका पैसा ऑटोमेटिक जो कि आपके अकाउंट में या फिर उस रिसीवर तक चलाना जहाँ पे भेजना चाहते हैं वहाँ पे चला जाएगा ध्यान रखिएगा आपके पैसा तभी आपके अकाउंट में रिटर्न आएगा जब वह पैसा रिट आ, फेल हो जाएगा अगर आपको वह पैसा फेल नहीं होता है तो वह पैसा आपके अकाउंट में रिटर्न नहीं होगा लेकिन अगर वह पैसा सक्सेसफुल होता है और वह प्रोसेस प्रोसेसिंग बता रहा है तो वह पैसा जो कि उस रिसीवर तक जहाँ पर वो उस पैसे को भेजे हैं वहीं पर जाएगा बस वह फोटी एट आवर्स में जाए या फिर तीन से पाँच दिन के अंदर में जाए लेकिन वह पैसा उसी के यहाँ जाएगा जहाँ पे आप उसको भेजें लेकिन अगर आप फेल हो जाते हैं तो वह पैसा जो कि आपके अकाउंट में फिर से रिटर्न कर दिया जाते हैं तो ये जो कुछ प्रोसेस है लेकिन अगर आप ख़ुद से करना चाहते हैं और थोड़ा आप जल्दीबाजी में करना चाहते हैं आप चाहते हैं कि मुझे इतना टाइम नहीं वेट करना है तो बस आपको कस्टमर के आपको जो भी बैंक है उसके कस्टमर केयर पे कॉल करना है एंड उसके बाद जो मैं आपको यू नंबर बताया कि कैसे निकालना है उस यू नंबर को लेना है एंड उसके बाद बताना है कि मेरा ये टिया नंबर है और इस पर मैंने ट्रांजैक्शन किया और मेरा जो कि ट्रांजैक्शन अभी तक सक्सेसफुल सस्क्ष, तो हो गया लेकिन प्रोसेस की बता रहा है वह पैसा उस रिसीवर तक भी नहीं पहुंचा और ना ही वो पैसा मेरे बैंक अकाउंट में है कहाँ पे फंसा है थोड़ा सा चेक करके बताइएगा तो वहाँ पे हुआ आपको पूरी जानकारी बताया गया कि ऐसे कैसे क्या करना है उसके बाद जो कि आपका पैसा वो काफ़ी मतलब बहुत ही जल्दी रिटायर हो जाते हैं तो इस तरह से अगर फॉलो करेंगे तो आपको पूरी जानकारी देखने को मिल जाएंगे तो मैंने आपको पूरी जानकारी बता दी लेकिन फिर भी अगर कहीं भी किसी तरह का डाउट हो कहीं भी किसी तरह का क्वेश्चन हो फोन पर से रिलेटेड तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं जहां पे मैं आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा